सेल कांस्टेंट क्या होता है? एल बाई ए, एल पॉन ए। इसको हम लोग कैसे डिनोट करते हैं? गाइस आर आर अपन ने ये किया है ना बेटा। अरे सेल कांस्टेंट इज नॉट आर बेटा, सर कैसे रहता है? अच्छा चलो के ले सेल कांस्टेंट। ये क्या बोल रहे हैं? सेल कांस्टेंट इज द प्रोडक्ट ऑफ स्पेसिफिक कंडक्टेंस। स्पेसिफिक कंडक्टेंस इज के। यस यस ए बेटा, के इज इक्वल टू आर एल अपॉन ए। ठीक है, सो एल अपॉन ए विल बी व्हाट? It is going to be K upon K into R. Sir, उल्टा लिखा। उल्टा लिखा मैंने, sorry. R equals yes, sir. K, one upon K into L by U, ना? ऐसा, ठीक है? Sorry. This is the scene. So, L by A is equal to K into R. So, specific K. conductance is K and R is your resistance. तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा बेटा? सी। सी हो जाएगा ना? यस यस। अच्छा, द टू प्लैटिनम इलेक्ट्रोड्स प्लेस्ड इन अ कंडक्शन सेल। टू प्लैटिनम इलेक्ट्रोड्स, बोर्ड दिख रहा है कि लाइट चालू करूं? टू प्लैटिनम दिख रहा है। टू प्लैटिनम इलेक्ट्रोड्स placed in a conductance cell 1.5 centimeter apart, the cross section area of each electrode, the cross section area of each electrode is 0.5 centimeter square, the cell constant is formula aapke samne. Cell constant ka dusra formula kya hota bachcho? L by A. 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 Cell constant is L by A. Yes. Three. L kya hai? Distance between the electrodes. 1.5. Area kitna hai? 0.5. What is going to be the answer? 3 ki 0.3? 3 per centimeter. 3 per centimeter. Denominator chota hai, numerator bada hai, toh isme confuse mat hona. देखो बेटा, अगर आप इसको सॉल्व भी नहीं करोगे ना, तो भी अगर आप ऑप्शन देखोगे ए बी सी और डी, ए का वैल्यू 1 से कम है, बी का वैल्यू 1 से कम है, सी का वैल्यू 1 से कम है, सिर्फ डी का वैल्यू 1 से ज्यादा है। देखो बेटा, डिनोमिनेटर छोटा है, न्यूमरेटर बड़ा है, तो ऐसे केस में हमेशा 1 से ज्यादा वैल्यू आना चाहिए। yes. Yes. तो बिना सॉल्व करे भी आंसर आता है इसका? हम लोग एंट्रेंस कर रहे हैं, हर चीज सॉल्व करने की जरूरत है हमको? नो नो। मयूरेश? यस सर। अच्छा, द स्पेसिफिक कंडक्टेंस एंड रेजिस्टेंस, द स्पेसिफिक कंडक्टेंस एंड रेजिस्टेंस ऑफ 0.2 मोलार। देख बड़ा, जब भी आप सम लिख एंट्रेंस के लिए बोल रहा हूँ, ट्वेल्थ के लिए भी करना है, बट एंट्रेंस के लिए स्पेसिफिक, जब भी हम सम पढ़ रहे हैं, वी डू नॉट हैव टाइम की मतलब सम पढ़ेंगे फिर उसको दोबारा पढ़ेंगे फिर गिवन लिखेंगे, नहीं, जैसे आप पढ़ रहे हो वैसे गिवन लिखते जाओ, बिकॉज यू डू नॉट हैव टाइम, यू हैव टू सॉल्व सम्स विद इन 1 मिनट, यू नो दिस राइट? यस यस। मयूरेश? यस सर। सम अपने को 1 मिनट से भी कम टाइम में सॉल्व करना है, तुमको पता है बेटा? हाँ पता है। शारिन, डू यू नो दिस? यस नो, आज पता सर। वेरी गुड बेटा, मैंने बताया देखो तुमको। शारन, आर यू वर्किंग ऑन योर न्यूमेरिकल्स बेटा? यस सर। यस सर। नहीं नहीं, आई वाज टॉकिंग टू शारन शाजी बिकॉज़ हर न्यूमेरिकल्स आर अ बिट वीक ना बेटा। यस। शारन वर्गेसे इज अ वेरी गुड गर्ल, आई नो दैट, बट शारन वर्गेसे यू हैव टू वर्क ऑन थ्योरी एंड शारन शाजी हैज टू वर्क ऑन न्यूमेरिकल्स। अगर लड़कियों में किसी के न्यूमेरिकल्स बहुत अच्छे हैं तो वो है निकिता, बट आई गेस निकिता तुम प्रॉपरली सॉल्व करके मुझे बताती थी, बिकॉज निकिता के आंसर हमेशा मैच होते हैं। निकिता नहीं है? यस। अच्छा देखो बेटा, द स्पेसिफिक कंडक्टेंस एंड रेजिस्टेंस ऑफ अ 0.2 मोलर इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन आर 1.4
ये एस क्या होता है सीमेंस पर मीटर एंड 50 ओम ठीक है रिस्पेक्टिवली एंड द रेजिस्टेंस ऑफ 0.5 सॉल्यूशन ऑफ द सेम इलेक्ट्रोलाइट इज ये C1 ले लो ये C2 ले लो 0.5 मोलार ये R2 ले लो ये R1 ले लो ऑफ द सेम इलेक्ट्रोलाइट इज 280 ओहम द मोलार कंडक्टिविटी ऑफ 0.4 ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट इज देख बेटा अपने को ये सब दे रखा अपने को ये सब दिया हुआ है और अभी अपने को पूछा है कि के इसके लिए ये है R1 ये है C1 ये है C2 ये है R2 ये है K2 ये है अपने को ढूंढना क्या है बेटा लैम्डा मोलर कंडक्टिविटी क्या ढूंढना अपने को मोलर कंडक्टिविटी अच्छा हम लोगों को क्या ढूंढना पड़ेगा बेटा पहले के ढूंढना पड़ेगा कितना आता है बेटा 70 पर मीटर यस ये सेल कांस्टेंट है बेटा अपने को K2 नहीं ढूंढना है अपने को पता क्या ढूंढना है लैम्डा ढूंढना है अब अगर मेरे पास सेल कांस्टेंट है L by A है मेरे पास कंसंट्रेशन है मेरे पास रेजिस्टेंस है हाउ विल आई फाइंड लैम्डा फार्मूला रेडी है आप लोगों के पास लैम्डा इक्वल्स टू K by C सर वो कंडक्ट पहले ही निकालते हैं कंडक्टेंस निकालना है कंडक्टेंस लैम्डा इज इक्वल टू के बाय सी आर का जरूरत पड़ा है पे नो के कितना है कितना वैल्यू आता है वेरी गुड रॉन्ग आंसर सर K70 किधर है K70 है तुम लोग बोले ना सेल कांस्टेंट 70 है सर पहले ये निकालते हैं मोलार कंडक्टेंस निकालते हैं एग्जैक्टली दिस K इज नॉट द सेल कांस्टेंट बेटा सेल कॉन्स्टेंट मिला मुझे यहां सेल कॉन्स्टेंट मिला बेटा मेरे को सेल कॉन्स्टेंट इज यस सेल कॉन्स्टेंट कोई भी वैल्यू के लिए सेम रहेगा इक्वल टू के आर इसका आर अलग है इसका के ढूंढना पड़ेगा मुझे सेल कॉन्स्टेंट कितना है 70 के मुझे ढूंढना है आर कितना है 280 सो के क्या हो जाएगा बेटा 70 अपॉन 280 है ना यस अरे यस अरे आर दिया है ना उसने अपने को यस इससे मैंने सेल कांस्टेंट ढूंढा सेल कांस्टेंट दोनों कंडीशन के लिए सेम रहेगा बिकॉज़ लेंथ ऑफ द इलेक्ट्रोड एंड डिस्टेंस बिटवीन देम और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोड एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम इज गोइंग टू रिमेन द सेम राइट तो मैंने सेल कांस्टेंट ढूंढा सेल कांस्टेंट ढूंढ के मुझे क्या निकालना है मुझे इसका स्पेसिफिक कंडक्टेंस निकालना है फॉर द सेकंड केस के दिया नहीं है पूछा नहीं है बट अपने को ढूंढना पड़ेगा बिकॉज अल्टीमेटली अपने को लैम्डा ढूंढना है बेटा तो इसका के निकाला इसका के जो आएगा फिर मेरे को लैम्डा इज इक्वल टू के बाय सी में डालना पड़ेगा सी दिया हुआ है कितना आता है बेटा के 0.25 अच्छा बेटा लैम्डा इज इक्वल टू नाउ के अपॉन सी के इज 0.25 कंसंट्रेशन इज 0.5 आंसर क्या आएगा सर वो 0.5 को सबसे पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा यस सर कन्वर्ट करना पर सेंटीमीटर में डेसीमीटर में ना वो होल्ड ऑन ये पर मीटर में है ये मोलर है पर मीटर है दूसरा किधर गया नीचे ये सीमेंस में था अग्री ठीक है
सेल्फ कांस्टेंट हम लोग हमेशा सेंटीमीटर में लेते हैं, राइट? सर इधर मीटर में लेंगे ना, मीटर में सब कुछ, सब कुछ मीटर में दिया है, तो यहाँ पे सेल्फ कांस्टेंट में मीटर में निकाला है। यस यस लैम्डा इज इक्वल टू के अपॉन 1000 C, ये याद है? सेंटीमीटर क्यूब थी ना भाई, मीटर क्यूब है ना, देख ना मीटर मीटर। यस सर, मतलब कन्वर्ट करने के लिए सेंटीमीटर से मीटर। नहीं मीटर, देख बेटा मीटर दिया है, मीटर क्यूब दिया है, अपने को आंसर पे मीटर क्यूब में ही ढूंढना है। यस सर, लुक एट द ऑप्शंस ना गाइस, ये देखो ऑप्शंस देखो इसका, 5 × 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, सब मीटर में ही दिया है ना बेटा। सर 1000 KBC लगेगा ना सर, KBC भाई तो लिया है आपने, KBC लिया है ना आपने। यस सर, आंसर मिलेगा। होल्ड ऑन होल्ड ऑन, एक मिनट सर, 1000 KBC का ही आएगा फॉर्मूला। होल्ड ऑन होल्ड ऑन, यस सर 1000 का ही आएगा, 5 × 10⁻¹ क्यों कर रहे हैं हम, तुमको पता है क्या? वो 1000 क्यों करते हैं पता है आपको? सेंटीमीटर में कन्वर्ट, सेंटीमीटर नहीं, नॉट सेंटीमीटर, डेसीमीटर क्यों? डेसीमीटर में दिया है उसको मीटर के रूप में कन्वर्ट करते हैं। 1000 के डिवाइडेड बाय, हां कॉन्सेंट्रेशन क्या है? 0.5 मोलार, 0.5 मोलार। अभी ये 0.5 मोलार कॉन्सेंट्रेशन जो है, व्हाट इज मोलारिटी? मोलारिटी इज नंबर ऑफ मोल अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। पर यहाँ पे देखो बेटा मीटर क्यूब एंड लीटर क्यूब दिया हुआ है ना सब जगह। यस सर, क्योंकि अपने को यहाँ वाला के दिया था सीवेंस पर मीटर, ठीक है, तो सेल कॉन्सेंट मैंने मीटर पे निकाला, तो अब यहाँ पे जो कॉन्सेंट्रेशन दिया है, वी आर अज्यूमिंग दे आर ऑल्सो गिवन इन मीटर्स, वी हैव टू टेक इन द कॉन्सेंट्रेशन इन नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर। लीटर मींस डेसीमीटर क्यूब। यस यस, तो आप इसको डेसीमीटर क्यूब में कन्वर्ट कैसे करोगे बेटा? मल्टीप्लाई इनटू 1000, तो 500 0.5 इनटू 1000 की 3, तो नीचे का 10 टू द पावर 3, तो कंसंट्रेशन ये लेना है 0.5 इनटू 10 टू द पावर 3। अब आंसर क्या आएगा बताओ? अभी 5 × 10⁻², माइनस 4 आएगा, 5 × 10⁻², माइनस 4। और ये जो आंसर आएगा वो किसमें आएगा बेटा? सीमेंस मीटर स्क्वायर पर मोल। क्योंकि मैंने सबको मीटर में कन्वर्ट किया हुआ है, ये जो दिया था ये मुझे डेसीमीटर क्यूब में दिया ना कॉन्सेंट्रेशन, उसको मैंने मीटर क्यूब में कन्वर्ट किया और फिर मैंने आपका आंसर। Guys,
Should I explain one more time? Yes. Yes. Okay. Yes, sir. Just give me a second and एक मिनट बेटा देखो लेट अस रीड द सम अगेन द स्पेसिफिक कंडक्टेंस के वन स्पेसिफिक कंडक्टेंस के वन इज 1.4 सीमेन पर मीटर वन जस्ट गिव मी ये देखो बेटा द स्पेसिफिक कंडक्टेंस के वन इज 1.4 सीमेन पर मीटर स्क्वायर आर वन रेजिस्टेंस इज 50 ओम व्हेन द कॉन्सेंट्रेशन इज 0.2 मोलर ओके अतः कॉन्सेंट्रेशन 0.5 मोलर किया तो रेजिस्टेंस 280 ओम हो जाता है K2 दिया नहीं है अपने को K2 अपने को दिया नहीं है लैम्डा ढूंढने को बोला है मोलर कंडक्टिविटी ढूंढने को बोला है उसका इलेक्ट्रोलाइट का ठीक है अभी बेटा जो कॉन्सेंट्रेशन होता है कॉन्सेंट्रेशन इज व्हाट नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन ओके बट इस गिवन डेटा से पहला जो K1 R1 C1 है उससे मैंने सेल कांस्टेंट निकाला दैट सेल कांस्टेंट इन पर मीटर बिकॉज़ K1 इज गिवन इन मीटर्स तो वो जो सेल कांस्टेंट मुझे मिला वो पर मीटर में मिला ये जो सेल कांस्टेंट मिला मुझे पर मीटर में मिला नाउ सेल कांस्टेंट इज गोइंग टू रिमेन कांस्टेंट फॉर बोथ द कंडीशंस बिकॉज़ वो सेल का डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड्स एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज गोइंग टू रिमेन कांस्टेंट तो ये सेल कांस्टेंट यूज करके मुझे सेकंड कंडीशन के लिए के ढूंढना है सेल कांस्टेंट इज के इनटू आर तो इसका के जब ढूंढा ये के भी मुझे किस में आया ये जो के आया मुझे किस में आया सीमेंस पर मीटर बिकॉज़ सेम यूनिट में कंटिन्यू कर रहा हूं मैंने कुछ भी कन्वर्ट नहीं किया है सीमेंस पर मीटर में लिया है अभी तक मैंने कहीं पे भी कॉन्सेंट्रेशन यूज नहीं किया है अब सर सेल कांस्टेंट एक बार बताएं सेल कांस्टेंट L by A is equal to K into R इसके पहले वाला क्वेश्चन किया था बेटा पुण्य अभी यस यस ठीक है अब मैं कंसंट्रेशन यूज करने वाला हूं अब यहां पे चकमा होता है ये सब इजीली आ जाएगा अपने को कंसंट्रेशन इज नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर व्हाट इज नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर इट मींस पर डेसीमीटर क्यूब राइट लीटर एंड डेसीमीटर क्यूब इज द सेम यूनिट टू कन्वर्ट डेसीमीटर क्यूब To convert decimeter cube to meter cube, you have to multiply by 1000. Yes. So, इसीलिए concentration को मैं 0.5 नहीं लूँगा, 0.5 into 10 to the power cube लूँगा meter cube. And then I will put it over here. Lambda is equal to K upon C, and then solve it to get this answer. Is it clear now? Yes. Yes. Yes, sir. Yes, sir. Guys, यहाँ से यहाँ यहां से यहां यहां से यहां और फिर यहां इज इट टू कचरा यस यस नॉनसेंस व्हाट यस समझे नहीं मैंने तुमने एरो बना के दिया मैंने तुमको ये गिवन है उससे ये निकाला फिर इससे अपन ने ये निकाला फिर इससे कन्वर्ट किया और फिर यहां पे फाइनल फॉर्मूले में डाल के अपने को ये आंसर आया प्रॉपरली लिख के दूं कि इतना काफी है काफी समीर यस सर समझा बेटा यस सर मानस केदार प्रफुल यस सर गिरीश यस सर समझा बेटा नहीं समझा तो मना कर सकते हो मैं फिर से एक्सप्लेन करूंगा बेटा you know you can say no right that is your right to say no guys yes yes ankita nikita yes sir mitali avantika anjali yes sir kinjal if you have not understood please tell yes, me sir. I will write it properly and explain it to you but you have to speak for that beta It's okay. It's fine if you've not understood. I will explain it to you again.
या तो तुम लोग शर्मा रहे हो या फिर तुम लोग को समझ गए। मयूरेश समझा क्या रे? समझा सर पूरा। आदित्य स्पाइडरमैन अनिमेश यस सर यस समझा समझा बेटा कैन आई हेल्प दिस नाउ। ये मिटा देता हूँ तो शायद ठीक है। अभी लग रहा है समझ में आ रहा है। ये सेकंड डेटा है ये फर्स्ट डेटा है यहाँ से कन्वर्ट। तेजस आज नहीं हो तुम लेक्चर में? यस सर। हेलो शुभम समझा बेटा? यस सर। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोगों को नहीं समझा पर वो बोल नहीं रहा है, पर जिन लोगों को नहीं समझा उनको बोलना चाहिए। कनाद सर तेजस को नहीं समझा बेटा। तेजस यस सर। अक्षय यस सर समझा। अच्छा सर वो झूठ बोल रहे हैं नहीं समझा। तेजस तुम शुभम को मारना चाहते हो? The specific conductance and conductance. What is the difference between specific conductance and conductance? Sir, conductance per unit, specific conductance per unit length. So specific conductance मतलब K और conductance मतलब lambda, right? Yes. Yes. Sir, K को sigma भी लिख सकते हैं ना? Cell constant is EU. Specific conductance and conductance. Hey, beta, conductance is lambda. Am I right? Sir, वो molar conductivity देता है ना conductance. Sir, वो G. Lambda is molar conductivity. Conductance is G. तुम लोग को याद है वायर वाला किया था आपने ओम्स लॉ किया था उससे डिराइव किया था रेजिस्टिविटी कंडक्टिविटी वो सब फॉर्मूला लिखे थे। यस लिखा के दिया था मैंने आपको बोर्ड पे बेटा। यस एकदम बिगिनिंग के लेक्चर में। सो सेल कांस्टेंट इज स्पेसिफिक कंडक्टेंस अपॉन कंडक्टेंस के अपॉन जी। तो 0.2 अपॉन जी। अब ये फॉर्मूला बुक में नहीं है तो ये फॉर्मूला आप लिख के लो। सेल कांस्टेंट का अलग अलग फॉर्मूला देख लिया बेटा हम लोग ने। एल अपॉन ए दैट इज इक्वल टू के इनटू आर। तो ये तीन चीजों को घुमा फिरा करके देखो बेटा आपको कितना क्वेश्चन आ सकता है। ए बेटा ये फॉर्मूला कैसे आया? सेल कॉन्स्टेंट इज इक्वल टू स्पेसिफिक कंडक्टेंस इनटू रेजिस्टेंस। What is resistance? Resistance is opposite of conductance. 1 by G. Resistance is opposite of conductance, na beta? Yes. Yes. इसलिए ये formula आया। और this is not lambda, this is G beta. Lambda is molar conductance. This is normal conductance. बस. Conductivity, molar conductivity. हाँ, molar conductivity. Sorry. Yes. Understood? Yes, sir. Yes. हाँ जी बेटा. आएगा क्या answer क्या आएगा इसका? Five. Which option? C option. Per centimeter to per meter? Per centimeter. Centimeter. Again, इसमें देखो, denominator छोटा है, numerator बड़ा है. Answer should be greater than one. एक ही answer है जो greater than one है, which is C. ए बेटा, solve करने का जरूरत नहीं है ना अपने को इसमें भी? No. कंफर्मेशन के लिए सॉल्व करना। शुभम दैट इज द पॉइंट बेटा। जब तक तुम कंफर्म करोगे तुम्हारा कॉम्पिटिटर दो सम्स और सॉल्व कर देगा। ट्राई टू अंडरस्टैंड द कॉम्पिटिशन इन द मार्केट बेटा। इट इज इजंट इट लॉजिकल बेटा अगर डिनोमिनेटर बहुत छोटा है और न्यूमरेटर बड़ा है आंसर हैज टू बी ग्रेटर देन 1। यस एंड इन इट इवन इफ यू डोंट थिंक 4 5 आर 20 ना खत्म। शुभम
लॉजिकल क्वेश्चंस को कंफर्म करते मत बैठना बेटा, तुम्हारा टाइम वेस्ट होगा, तुम ज्यादा सम्स नहीं सॉल्व कर पाओगे. कैन आई रब दिस? तुम लोग लिख के ले रहे हो कि सिर्फ एबीसीडी मार्क कर रहे हो? लिखा सर. शैरन लिख लिया बेटा? यस सर. आशुतोष? यस सर. गौरव? यस सर. गौरव तुम जिंदा हो? हाँ सर जिंदा. वेरी गुड. आई एम सो प्राउड ऑफ यू, यू हैव मेड इट टू द लाइफ. द सेल कांस्टेंट ऑफ 0.01 मोलार NaCl सॉल्यूशन एट टेम्परेचर 298 केल्विन इज. सेल कांस्टेंट को आप पता है पहले की बुक में क्या दिया था? सेल कांस्टेंट, सेल कांस्टेंट वाज गिवन एज बी. पहले का जो पोर्शन था ना उसमें एल बाय ए को हम लोग बी लेते थे, पर ठीक है बिकॉज के का स्पेसिफिक कंडक्टेंस आप कंफ्यूज हो जाते हो इसलिए. इट्स 1% एंड इट्स रेजिस्टेंस इज 200 ओहम. द इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, व्हाट इज इक्विवेलेंट कंडक्टेंस? नाउ तो आप घुमा फिरा करके एक ही चीज पूछ रहे बेटा आपको कंफ्यूज करने के लिए. व्हाट इज इक्विवेलेंट कंडक्टेंस गाइस? के अपॉन जी इक्वल टू एल बाय ए. इक्विवेलेंट कंडक्टेंस देखो आपको क्या क्या दिया है. आपको कॉन्सेंट्रेशन दिया है, टेम्परेचर दिया है, सेल कॉन्स्टेंट दिया है, एन आर दिया है. तो आप क्या लोगे इसमें? इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ये फॉर्मूला याद है? मोलर कंडक्टिविटी ये फॉर्मूला याद है क्या? यस यस यस. इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एज कंपेयर टू दिस, व्हेन विल आई कॉल इट एज मोलर कंडक्टिविटी? वन मोलर कॉन्सेंट्रेशन राइट. मोलार कंडक्टिविटी इज कैलकुलेटेड एट 298 केल्विन, वन मोलार कॉन्सेंट्रेशन एंड सेल कॉन्स्टेंट टू बी से 1 पर मीटर सब कुछ 1111 रहेगा तो अपन उसको स्टैंडर्ड मोलर कंडक्टिविटी बोलते हैं राइट. यस. अब यहाँ पे स्टैंडर्ड कंडीशंस नहीं दिया है, नहीं दिया है तो इसका इक्विवेलेंट कंडक्टेंस मतलब अगर ये स्टैंडर्ड कंडीशंस में होता तो इसका कंडक्टेंस क्या होना चाहिए था. तो इट्स लाइक इट्स मोलर कंडक्टिविटी अंडर सच कंडीशंस विल बी व्हाट, सिंपल एज दैट. फॉर्मूला सेम रहेगा 1000 K/C. अब अगर मैं दोनों सेम है लेकिन नेम अलग है, बस उतना ही है ना, बस नाम अलग है, सिंपल. 1000 K/C अभी K नहीं दिया है. K इज स्पेसिफिक कंडक्टेंस बट वी नो K इज व्हाट बेटा? 1/L/A. सेल कांस्टेंट बाय आर. कन्वर्जन करना पड़ेगा. कन्वर्जन करना पड़ेगा. कॉन्सेंट्रेशन डेसीमीटर क्यूब में है, ये सेंटीमीटर में दिया है. आंसर सेंटीमीटर में. क्या बोल रहे बेटा? ऑप्शन सेंटीमीटर में दिया. सेंटीमीटर में ही है. आंसर सेंटीमीटर में ही है. यस यस.
ट्रांसफर सेंटीमीटर में दिया है ना, तो कन्वर्ट करना नहीं पड़ेगा, तो के वाई सी लेने का ना डायरेक्ट। हाँ यस करेक्ट, कन्वर्ट नहीं करना पड़ेगा बिकॉज आंसर अपने को सेंटीमीटर में दिया है। या इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आंसर आता है अपने को? 5 into 10 raised to 2 कितना? 5 into 10 raised to minus 2 तो यहाँ पे आप शुभम सॉल्व करोगे, बट एक्चुअली सॉल्व करने का जरूरत नहीं है बिकॉज इफ यू सी द नंबर्स दे आर गोइंग इन 5 टाइम्स टेबल, नॉट इन 3, नॉट इन 8, राइट? यस यस तेजस, तुम समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? हाँ सर। क्या बोला मैंने अभी? सर इसके अंदर मतलब जो डिनोमिनेटर है वो बड़ा है ना, तो 1 के कम आएगा ना कंपेयर में आंसर। डिनोमिनेटर बड़ा है सर, यहाँ पर 1/r मतलब कंडक्टेंस ही हो जा रहा है ना। हाँ सर, वो इधर वोल्टेड आएगा ना जब डिनोमिनेटर बैलेंस। डिनोमिनेटर बड़ा था है? न्यूमेरेटर न्यूमेरेटर बड़ा है, डिनोमिनेटर छोटा है, आंसर 1 से बड़ा रहेगा। सर 5 into 10 raised to 2 सर, नहीं समझा। सर नहीं, अरे भाई कैलकुलेशन किया तो 5 into 10 to the power 2 आता है ना, सिंपल। Yes. 10 to the power minus 2 ऊपर जाएगा 10 to the power 2, क्या डिफिकल्ट है इसमें? सर नहीं, वो बीच का समय मतलब 1000 क्या बोल रहे बेटा? क्या बोल रहे हो सर? 1000 के बाय सी के नीचे के स्टेप से नहीं। व्हाट इज के? के इज 1/r l/a, तो के की जगह मैंने क्या डाला? 1/r l/a, बिकॉज मुझे के नहीं दिया है, मुझे l/a दिया है, r दिया है, तो l/a इज 1 एंड 1/r इज 1/200, उसको मैंने न्यूमरेटर में रखना पड़ेगा ना बेटा, बिकॉज के न्यूमरेटर में है। Yes, sir, yes, sir, yes, sir. समझा? सर, yes, अक्षय। सर, के जगह पे डायरेक्ट सेल r भी लिख सकते ना, डायरेक्टली लिख सकते, इट्स वन एंड द सेम थिंग ना बेटा, 1/r इनटू l/a इज व्हाट, सेल कांस्टेंट अपॉन r, सिंपल, एक ही चीज है बेटा, मैंने सेल कांस्टेंट को l/a लिखा हुआ है, ले बेटा। यस सर, सेल कांस्टेंट को b कर दे तो ये क्या हो जाएगा, b अपॉन r, खत्म। यस सर, व्हाट Aren't the same thing, na, beta? Yes. Right? So if you give l/a a name, b de diya, x de diya, y de diya, l/a ki jagah wahan pe bx aa jayega, simple as that. Is it still confusing, guys? No, sir. Samjha. No, sir. Tejas, samjha ke rahe? Yes, sir. Mayuresh? Sir, ye wale formula mein confusion hai ki answer kyc kab lene ka aur kyc kab lene ka. इक्विवेलेंट इक्विवेलेंट आएगा तब 1000 के अपॉन सी, और जब नॉर्मल वाला रहेगा तब के अपॉन सी। सर मतलब वो यूनिट कन्वर्जन के टाइम लेने का? यस करेक्ट, वो उस टाइम पे के बाय सी लेने का। यस सर, वो फार्मूला के अंदर ही कंफ्यूजन था, इसलिए नहीं समझ रहा। ठीक है, मैं क्लियर आउट करता हूं उसको, रुको। 41 एक मिनट, मुझे सारा ही खत्म करके भागना है आज। Which of the following decreases upon dilution? Dilution बढ़ाया मैंने। मेरे पास इलेक्ट्रोलाइट है, मैंने उसके अंदर पानी जरा डाल दिया, पानी जरा डाल दिया, डायल्यूशन डाला। अगर डायल्यूशन बढ़ाया, अगर मैंने मतलब इलेक्ट्रोलाइट जो सॉल्ट है या फिर जो भी एसिड है उसको कम करके मैंने पानी ज्यादा एड कर दिया, सॉल्वेंट ज्यादा बढ़ा दिया, तो डिसोसिएशन ज्यादा होगा। Yes. Which of the following decreases upon dilution? Conductance, specific conductance, equivalent conductance, and molar conductance. Conductance, specific conductance,
इक्विवेलेंट कंडक्टेंस मोलार कंडक्टेंस सर इक्विवेलेंट कंडक्टेंस सर स्पेसिफिक कंडक्टेंस डिक्रीज होगा रुको सर वो इसको इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन मतलब डिक्रीज होता है मतलब स्पेसिफिक कंडक्टेंस ही होगा कंडक्टेंस का फॉर्मूला बताओ सिग्मा ए बाय एल मोलर कंडक्टिविटी सर मोलर कंडक्टेंस इज योर नॉर्मल नॉर्मल कंडक्टर सर मैं आंसर बोल रही हूं मोलर कंडक्टिविटी रुको लड़की स्पेसिफिक कंडक्टेंस क्या है के सर अभी वो मोलर कंडक्टेंस अभी तो क्या था इक्विवेलेंट कंडक्टेंस इक्विवेलेंट कंडक्टेंस की अगर मैं बात करूं तो अपने अभी फॉर्मूला लिखा था कौन सा लिखा था बेटा 1000 के अपॉन सी मोलार कंडक्टेंस लैम्डा व्हाट इज लैम्डा लैम्डा इज के अपॉन सी के बाय सी यस लैम्डा इज के अपॉन सी यस एंड व्हाट इज कंडक्टेंस जी जी अब आपके सामने चारों फॉर्मूले हैं इज इट क्लियर गाइस यस पता क्या बोल रहा है डाइल्यूशन बढ़ाया मतलब कॉन्सेंट्रेशन कम किया अगर डाइल्यूशन बढ़ाया तो कॉन्सेंट्रेशन कम हुआ बेटा यस किसी का माइक खराब है प्लीज थोड़ा म्यूट कर लो डाइल्यूशन अगर बढ़ाया तो कॉन्सेंट्रेशन कम हुआ इन सब फॉर्मूलों में कॉन्सेंट्रेशन आपको कहां दिख रहा है दो फॉर्मूला में इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एंड मोलर कंडक्टेंस यस यस इक्विवेलेंट कंडक्टेंस इज अ स्पेसिफिक क्वांटिटी जैसे हम बोलते हैं ना बॉइलिंग पॉइंट या फिर क्या बोलते हैं फ्रीजिंग पॉइंट एक फिक्स्ड वैल्यू होता है इट इज अ इंटेंसिव प्रॉपर्टी It doesn't depend on the mass of the substance. Yes. ठीक है तो ये यहाँ पे हम लोग जो भी कॉन्सेंट्रेशन रहेगा वो उसको 1000 से मल्टीप्लाई करके इंटू के करके करते हैं ठीक है इट इज डिपेंडिंग ऑन दिस स्पेसिफिक फॉर्मूला बट अगर आप मोलर कंडक्टेंस को देखो तो इट इज ओनली के अपॉन सी देर इज नो 1000 का मल्टीप्लीकेशन यहाँ पे सो दिस 1000 इज बैलेंसिंग दिस सी का रिडक्शन Yes. Yes. But यहाँ पे C अगर कम होता है तो इसका वैल्यू क्या होता है बढ़ जाता है बढ़ जाएगा इसका वैल्यू बढ़ जाएगा Yes. Now which of the following decreases on dilution? अगर C का वैल्यू कम हो रहा है C का वैल्यू कम हो रहा है what is happening to specific conductance? When we increase dilution, कम होगा. Specific conductance बेटा, specific conduction ionization की वजह से बढ़ता है? Yes. कि कम होता है? सर कम होता है ना, मतलब concentration जब dilution increase करेगा, volume expand होगा, ion दूर दूर जाएगा, तो एक so specific conductance कम होगा? हाँ. Yes. ये K भी कम होगा? Yes. अगर ये स्पेसिफिक कंडक्टेंस कम हो रहा है ये सी भी कम हो रहा है तो इस ओवरऑल रेशियो पे क्या फर्क पड़ रहा है कुछ पड़ेगा सर क्या बोल रहे बेटा नीचे का कम होगा तो ऊपर का बढ़ेगा पर... नहीं नहीं लिसन डाइल्यूशन इंक्रीज करने से कॉन्सेंट्रेशन कम होता है बट डाइल्यूशन इंक्रीज करने से स्पेसिफिक कंडक्टेंस भी कम हो रहा है ना यस यस न्यूमरेटर भी कम हो रहा है डिनोमिनेटर भी कम हो रहा है yes. न्यूमरेटर भी कम हो रहा है डिनोमिनेटर भी कम हो रहा है रेशियो पे क्या फर्क पड़ना चाहिए बेटा
बढ़ना चाहिए, बढ़ना चाहिए कि कांस्टेंट रहना चाहिए? कांस्टेंट। क्या रहना चाहिए बेटा? कांस्टेंट। कांस्टेंट रहना चाहिए, यस और नो? यस। तो मोलार कंसिस्टेंसी पे फर्क पड़ेगा उसका? नो। इक्विवेलेंट कंडक्टर्स मैंने आपको बताया स्पेसिफिक प्रॉपर्टी है एंड कंडक्टर्स को इट इज रिलेटेड टू द करंट फ्लोइंग। यस। तो यहाँ पे आप मुझे बताओ क्या डिक्रीज होगा? स्पेसिफिक कंडक्टेंस। कंडक्टेंस डिक्रीज होगा। समझ में आया क्या बोल रहा हूँ मैं? यस गाइस। सर वो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी बताओ। इक्विवेलेंट कंडक्टेंस इज अ स्पेसिफिक प्रॉपर्टी बिकॉज़ इक्विवेलेंट कंडक्टेंस इज फॉर अ पर्टिकुलर वैल्यू एक मोल के लिए कि मतलब इतने टेम्परेचर पे इतने कॉन्सेंट्रेशन के लिए दैट इज फिक्स्ड। उसका मैं वैल्यू कुछ भी चेंज करूं बट उसके लिए स्टैंडर्ड कंडीशंस में कंडक्टेंस क्या होगा दैट इज गोइंग टू बी फिक्स्ड ना। वाटर को मैं 1000 डिग्री सेल्सियस पे भी बॉइल कर सकता हूं, -500 पे भी टेम्परेचर दे सकता हूं बट वो बॉइल कितने टेम्परेचर पे होता है वो फिक्स्ड है ना। यस। तो इट इज अ स्पेसिफिक प्रॉपर्टी कि इसका इक्विवेलेंट वेट मोलार मास, मेरे पास नाइट्रोजन 1000 किलोग्राम हो सकता है बट मोलार मास उसका कांस्टेंट रहता है। यस। समझ रहे हो? यस सर समझा। दैट इज व्हाट आई वाज रेफरिंग टू। सर इलेक्ट्रोनेटिक कंडक्टिविटी में अगर डाइल्यूशन इंक्रीज किया तो कंडक्टिविटी डिक्रीज होती है और मोलार कंडक्टिविटी में इंक्रीज होती है डाइल्यूशन इंक्रीज किया तो। कंडक्टिविटी डिक्रीज होती है और मोलार कंडक्टिविटी इंक्रीज। यस सर। डाइल्यूशन किया तो मोलार कंडक्टिविटी डिक्रीज होने। डाइल्यूशन किया तो मोलार कंडक्टिविटी डिक्रीज होना चाहिए बट इट इज आल्सो डिपेंडिंग ऑन के ना बेटा, के बाय सी। तो इसीलिए ये रेशियो मोर और लेस सेम रहता है ना, इस पे ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा। फर्क किस पे पड़ेगा? स्पेसिफिक कंडक्टेंस पे फर्क पड़ेगा बिकॉज यहाँ पे देखो यहाँ पे दोनों चीजें कम हो रही है, यहाँ पे ये एक ही चीज कम हो रही है। आपने क्वेश्चन में क्या पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डिक्रीजेस ऑन डाइल्यूशन, तो ज्यादा इफेक्ट किसके ऊपर पड़ रहा है? स्पेसिफिक कंडक्टेंस पे ना, बिकॉज ये स्पेसिफिक कंडक्टेंस पे डिपेंड कर रहा है। मुझे नेक्स्ट क्वेश्चन दिख ही नहीं रहा है एक बार। गाइस तुम लोगों को एक क्वेश्चन दिख रहा था जरा मुझे पढ़ के बताओगे प्लीज? डेबे हकल आंसर इक्वेशन इज गिवन एज व्हाट आर द ऑप्शंस आई कैन नॉट सी बिकॉज इट्स वेरी ब्लर्ड इन माय पीडीएफ। सर डी बाय हकल ऑनसागर इक्वेशन इज गिवन एज ऐसे दिया है। ओके डी बाय हकल ऑनसागर मैं आपको पढ़ाऊंगा बट नॉट टुडे इन द नेक्स्ट लेक्चर बिकॉज़ ये मुझे रिवाइज करना पड़ेगा। आई हैवंट सीन इट, इट्स वेरी इजी बुक। इट इज लाटा सीटेड है। ठीक है मैं आपको बताता हूं ये 42 क्वेश्चन सर्कल मार्क करके रखो बेटा। Molar conductivities of CH3COONaHCl and NaCl are this, this, this and this respectively. The infinite dilute. ये आपको बताया था मैंने कैसे करना है? Yes sir. Yes. क्लास में? Yes. रुको. इसका ढूंढना है ठीक है, इसका ढूंढना है COOH का ढूंढना है राइट? एम आई राइट? यस। CH3COOH ये दोनों चाहिए मुझे, ये दोनों उड़ाने का है मेरे को, ये उड़ाना है और ये उड़ाना है तो इन दोनों को ऐड करूंगा, इसको सब्ट्रैक्ट करूंगा
यस सर यस ये उठ जाएगा ये उठ जाएगा ये उठ जाएगा ये दोनों बचेगा पहले वाले का वैल्यू कितना दिया है 91 दूसरे वाले का कितना दिया है 462.2 तीसरे वाला कितना दिया है 126.5 पहले दोनों को ऐड करो तीसरे को उड़ा दो आंसर क्या आता है दैट इज योर आंसर ए बेटा इजी है ये 426 दिया है क्या 426 दिया है 426.2 ये 62 किसने लिखा सर 390.7 आ रहा है व्हिच इज ऑप्शन नंबर सी अच्छा द मोलार कंडक्टेंस एंड द लिमिटिंग मोलार कंडक्टेंस ये आया सबको ये समझा सबको क्या yes. किया यस इसमें सॉल्व किया था इसे समझने में यस yes. कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि आई कर रहे हैं ये कुछ समझ में नहीं आया बट उसने रिवाइज तुम क्या करो ना The molar conductance is 0.001 molar acetic acid solution. This is the concentration. Is lambda is equal to 50 ohm per ohm centimeter square per mole. And mole limiting matlab lambda not na beta? Yes. 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 Zero concentration. Limiting molar conductance at infinite dilution. Dilution. Yes. Dilution of zero concentration. Respectively. Okay. Degree of dissociation alpha for CH3COOH will be what? Beta, हमने इसका भी derivation किया था class में. What is degree of yes. dissociation? Molar conductance upon limiting molar conductance. Is it or one minus something? That is a constant equal association constant. We have derived the formula for this now. Molar concentration upon limiting molar concentration. Degree of dissociation. 50/250. Matlab value 1 se kam hona chahiye. Koi aisa value diya hai 1 se kam? Do value hai. 0.2 and 0.5. Kaun sa answer aata hai? 0.2 आएगा बेटा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन यस 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 सर सर ये फॉर्मूलास हमने क्लास में करे थे बेटा आपको लग रहा होगा ये पता नहीं कहां से आया यू रिमेंबर दिस लेक्चर हैज बीन कंप्लीटेड इन 14 लेक्चर्स यस Lesson. You guys are confused? No, sir. No. In electrolysis of fused NaCl, dash is at anode. Beta, मैंने आपको दो चीजें सिखाई थी. Fused NaCl and aqueous NaCl. दोनों पे product अलग-अलग आता है. सर एक्वस वो चेंज हो जाएगा कंसंट्रेशन मतलब NaOH बन जाएगा सर एक्वस NaCl कन्वर्ट हो जाएगा किसी दूसरे कंसंट्रेशन में आई एम सेइंग वो क्वेश्चन पूछ रहा है एट एनोड यहां पे एनोड पे और कैथोड पे क्या मिलता है देखो एनोड पे क्या मिलता है गैस ना यस सर Cl2 और Na मिलता है यहां पर एनोड पे क्या मिलता है H2 और कैथोड पे क्या मिलता है सर एनोड में Cl2 मिलेगा एनोड में Cl2 मिलेगा एक्वस NaCl में एनोड पे क्या मिलता है लिखा के दिया मिलेगा Cl2 सर Cl2 से कंपेयर किया था और कैथोड पे H2 मिलेगा ऑक्सीडेशन होता है वो इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं और ऐसा दो टू सीएल ऐसा बनता है बेटा
can I say Cl minus ions are oxidized? Yes. एनोड पे क्लोरीन गैस मिल रहा है. क्लोरीन गैस कभी मिलेगा जब क्लोराइड आयन अपना इलेक्ट्रॉन दे देगा और ऐसे दो क्लोरीन एटम्स मिलके क्लोरीन का मॉलिक्यूल देंगे, राइट? यस. इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट इज ऑक्सीडेशन. तो क्या होना चाहिए बेटा? सीएल माइनस का ऑक्सीडेशन होना चाहिए. यस. मैं देख लूं पहले बच्चे हैं भी कि गायब हो गए. ओ माय गॉड, टुडे ओनली 88. व्हाई? इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस NaCl. एनोड पे क्या होता है एक्वस NaCl में, बताएं? Cl माइनस आयन ऑक्सीडाइज. आर यू श्योर? यस सर. ऑब्वियसली अभी हमने लिखा ना बेटा यहाँ पे Cl भी मिलता है. बाकी के क्वेश्चंस आप लोग अपने आप से सॉल्व करोगे? yes. Yes. नॉर्मल न्यूमेरिकल जी है सर. ऑन सागर बताओ ना. डी बाय ओवर पोटेंशियल भी एक बार बताओ. ठीक है, ओके. वो 42nd वाला क्वेश्चन डी बाय हकल ओमेगर इक्वेशन एंड ओवर पोटेंशियल एंड दीज रिमेनिंग क्वेश्चंस विल डू इन द नेक्स्ट लेक्चर. ठीक है. और आपको थ्योरी भेजे क्या बोल बेटा? थ्योरी भेजे ना आपको फोटो. हां थ्योरी भेजा तुमने मुझे. क्वेश्चन भेजा तो मेरे को नहीं समझा आंसर. क्या बोल रहा? मैंने भेजा ना तेरे को आंसर. नहीं समझा. ठीक है, मैं उसका एक्सप्लेनेशन तुमको सैटरडे को समझाता हूँ. ठीक है. यस सर. और मैं सैटरडे को तुमसे मिलता हूँ तेजस. ठीक है सर. ऑफलाइन बताओ उसका. नहीं, वेट नहीं कर सकते तेजस सैटरडे तक. यस सर. फोन करके बताऊं? बताऊ माइक का बहुत प्रॉब्लम है. चलो ठीक है. आई हैव टू रश आउट नाउ. चलो बाय सर. सैटरडे को बताओ. हाँ बेटा, ओके बाय सर. ऑफलाइन बताओ. ऑफलाइन. हाँ बेटा.